हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की फिल्म शैतान के पूरे 10 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के पूरे 4 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो हम जानेंगे इन दोनों मूवी में से किस मूवी ने सबसे ज्यादा का कलेक्शन किया है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अजय देवगन की फिल्म शैतान से। तो अजय देवगन और आन बानवन की फिल्म शैतान को रिलीज हुए समय हो गया है, लेकिन इस फिल्म ने आज भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाई हुई है। हॉरर फिल्म शैतान को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से ये हर दिन शानदार कमाई कर रही है। शैतान 10 दिन के साथ अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म ने हाल ही में रिलीज हुए फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है और 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी है। शैतान में अजय देवगन और आन बानवन के साथ ज्योतिका लीड रोल में नजर आई है। ये गुजराती फिल्म वश की हिंदी रीमेक है। वश को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, इस वजह से शैतान की कहानी लोगों को नई लग रही है। शैतान ने दबी 10 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। शैतान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने वीकडे पर अच्छी कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक शैतान ने 10वें दिन 9.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 80 करोड़ का बिजनेस किया था। 8वें दिन 5.05 करोड़ रुपए और 9वें दिन 8.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन 103.05 करोड़ रुपए हो चुका था। शैतान के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं पा रही है। बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को कई फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन उनका शैतान की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो गाइस, चलिए अब हम बात करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के बारे में। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म योद्धा काफी प्रमोशन के बाद सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमाघर में दस्तक देने के बाद योद्धा को दर्शकों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और इसकी धीमी शुरुआत हुई। हालांकि वीकेंड पर सिद्धार्थ की फिल्म ने रफ्तार बढ़ाई और अच्छा कलेक्शन कर लिया। चलिए आज जानते हैं योद्धा का मंडे टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा। योद्धा को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से अजय देवगन स्टारर शैतान से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। शैतान पिछले 11 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और ये हॉरर थ्रिलर किसी और फिल्म को टिकट खिड़की पर टिकने नहीं दे रहे हैं। वहीं योद्धा की ओपनिंग भी काफी ठंडी रही थी, लेकिन वीकेंड पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत की है और खूब नोट छाप डाले हैं। फिल्म की कमाई की बात करें तो योद्धा ने रिलीज के पहले दिन 4.10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये आंकड़ा साल 2024 की टॉप घरेलू फिल्मों के पहले दिन के नेट कलेक्शन से काफी कम है। जैसे कि फाइटर ने 22 करोड़ रुपए से ओपनिंग की थी, वहीं शैतान ने पहले दिन 14.75 करोड़ रुपए कमाए थे और तेरी बातों में ऐसा उलझिया ने 6.70 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे दिन यानी कि शनिवार को योद्धा की कमाई में 40वीं सदी की तेजी आई और इसने 5.75 करोड़ रुपए बटोर लिए। वहीं संडे को भी योद्धा ने 21वीं सदी उछाल के साथ 60 करोड़ का बिजनेस किया। वह फिल्म रिलीज के 4वें दिन यानी कि पहले सोमवार की कमाई की शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक योद्धा ने रिलीज के 4वें दिन 2.15 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ योद्धा का 4 दिनों का कुल कलेक्शन अब 19 करोड़ रुपए हो चुका है। तो गाइस, आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही जरूरी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।